कर्नाटका में तो कांग्रेस की इसी सरकार ने करवाया था, उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? 2012-13 में यूपीए की कांग्रेस की सरकार ने करवाया था देश में जातिगत जनगणना, उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? अब जब आप विपक्ष में रहते हैं तो जातिगत जनगणना का माहौल खड़ा करते हैं, जब आप सत्ता पक्ष में आ जाते हैं तो करवाने के बावजूद आप समझते हैं कि जातिगत जनगणना पर इस देश का कितना पैसा, कितने संसाधन खर्च होते हैं, उसके आंकड़े छिपा क्यों लेती है सरकार? और ये तो कांग्रेस के ऊपर ही सवाल खड़े होंगे ना? बिल्कुल कांग्रेस के ऊपर सवाल खड़े होंगे और कांग्रेस को सवाल का जवाब देना भी चाहिए कि आप अगर कर्नाटक के अंदर आपने अगर कास्ट सेंसस करवाया है तो आप उसके डेटा क्यों नहीं रिलीज करना चाहते। लेकिन मैं दो सवाल अलग से करना चाहता हूं। कम से कम कांग्रेस पार्टी की जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011 में, जब दबाव पड़ा, दलितों पिछड़ों का दबाव पड़ा, तो उस दबाव के तहत आके उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया। उस कॉन्सेंसस की रिपोर्ट 2013 अंत में, 14 की शुरुआत में आई। अब पिछले 10 साल से तकरीबन 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, जो बात खुद आपको याद होगा कि मोहन भागवत जी कहते रहे, आरएसएस कहता रहा, तो उसकी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। और अगर उस कास्ट सेंसस में गलत है, ठीक तरीके से नहीं किया गया है, तो दोबारा उसका सेंसस होना चाहिए। लेकिन मैं तो एक और सवाल करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए, वो सेंसस नहीं करवा रही है। पिछले 4 सालों से इस देश के अंदर बिना सेंसस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम तरीके के विकास की बातें की जा रही, जब देश सिर्फ 14 साल पुराने आंकड़ों के आधार पर अपने विकास का मॉडल बना रहा है, तो कितना फॉल्टी है ये समझने की बात। रोहन गुप्ता जी, आप जवाब दे दीजिए उनके आरोपों पर, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। उनके सवाल तो महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि आप तो जनगणना ही नहीं करवा रहे हैं, जातिगत जनगणना तो छोड़ दीजिए। चित्रा जी, ये जो दिखावे का चेहरा है, उन्होंने कहा जनगणना करवाई, अरे भाई आपके तो 3 स्टेट है ना, हिमाचल है, तेलंगाना है, आप करके दिखाइए ना। आज अगर आपके नेता पूरे देश में घूम के ये कहते हैं, अगर हरियाणा में भी आप प्रॉमिस करते हैं, जनता को आपकी बात पे भरोसा ही नहीं है। और यहाँ पे ये सरकार है जो हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए कुछ करती है, तकलीफ ही ये है। आपको डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करनी है, आपको कहीं ना कहीं संविधान की आड़ में अपना तुष्टिकरण है उसको चालू रखना है, ये नहीं होगा। देश की जनता समझ चुकी है, इस देश की जनता का हर एक व्यक्ति ये चीज समझ चुका है कि विपक्ष की राजनीति तुष्टिकरण पे आधारित है। पर अब नहीं चलेगा, संविधान का झुंझुना 4 महीने चल गया, अब नहीं चलेगा। देश की जनता आपकी हकीकत जानती है, पहले करके दिखाइए, वॉक द टॉक, फिर आप भाजपा पे सवाल उठाइए। भाजपा का काम है हर धर्म हर जाति का विकास करें। अब मैं तेलंगाना की बात करता हूं, आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वहां पे 67% बजट था जो SC ST सब कमीशन का, वो डाइवर्ट करके मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए दे दिएगा। कौन से मुंह से आप बात कर रहे हैं, कब तक ये झुंझुना घुमाएंगे? आपको मालूम है कि आपकी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं रुक सकती है, आपको मालूम है कि अगर इस स्थिति में आपको राजनीति करती है तो हिंदू वोट को बांटना पड़ेगा, वो SC में बांटो, दलित में बांटो, और वो होगा तभी आपकी राजनीति, आपको ट्रेलर मिल गया, पर आपकी हकीकत अलग है। ना आपने दलितों के लिए कुछ किया, ना आपने OBC के लिए कुछ किया, हरियाणा उसका एग्जांपल है, अपमान किया। आपके राज्यों में जो बजट होता है वो भी आप डाइवर्ट कर देते हो, इसकी हकीकत आपको देश की जनता को जवाब देना चाहिए कि इस हकीकत के सहारे देश की जनता आप पे भरोसा कैसे करे। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने क्या ये नहीं कहा कि हम सही समय पर रिजर्वेशन को हटाएंगे? इसका भी जवाब दे दीजिए आप। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज काका जी उसके बाद अगर आपके, हाँ, मेरे रोहन गुप्ता जी बड़े काबिल प्रवक्ता है, मैं उनसे दो सवाल करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह है कि कास्ट सेंसस से देश कैसे बढ़ सकता, मैं ये समझ नहीं पाया हूँ। दूसरी बात, जनगणना कब कराएंगे और क्यों नहीं करवाई जा रही? रोहन गुप्ता, देखिए चित्रा जी, अभी आशुतोष जी ने सब, मैं दोनों के आपके जवाब दूंगा। मैंने आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे, मेरा आपको सवाल है उसका जवाब दे दीजिए ना। आपने अभी एक चीज रखी कि देखिए कांग्रेस ने करवा तो दिया, आपके दिखाने के दांत और जो बोलने के दांत है वो अलग है, देश की जनता कैसे भरोसा करेगी? और एक चीज, अभी कल की बात कर रहा हूं मैं आपके, इनके जो पूर्व गृह मंत्री थे उन्होंने भगवा आतंकवाद पे कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा देश के सामने रखी कि किस प्रकार की नफरत है इनको सनातन से। अरे आपको मजबूरी, आपको मालूम है आप तुष्टिकरण में ना मुसलमानों के लिए कुछ कर पाए, ना हिंदुओं के लिए कुछ कर पाए, अब दुकान चलाने के लिए जाति जनगणना के नाम पे आप देश के सामने अराजकता फैला रहे हैं। और एक चीज, आप संविधान की बात कर रहे हैं, सेक्युलर सिविल कोड जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? संविधान का मूल क्या है चित्रा जी, कि हर धर्म जाति हमारे लिए बिन सांप्रदायिक देश है, हमारे लिए सब समान है, उसका क्यों विरोध कर रहे हैं? मनोज काका जी, अब सीधे आपके पास आते हैं, वहां पे ये कहा गया कि देखिए जिस जातिगत जनगणना की बात होती है, देश के कई राज्यों में हुआ, लेकिन कई राज्यों ने आंकड़े भी जारी नहीं किए, खासतौर से अगर कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें मनोज काका जी। और 1931 के बाद जब जातिगत जनगणना इस देश में होती भी है, यूपीए की सरकार में ही, लेकिन उसके बाद आंकड़े जारी नहीं किए जाते हैं। अब तो तब से लेकर आज तक तमाम सरकारें आई, बनी, गई,
सबसे ये सवाल पूछा जाएगा कि जातिगत जनगणना ही अगर विकास का पैमाना है या फिर गरीब दलित और जो आदिवासी हैं उनको आगे ले जाने का पैमाना है, तो तमाम सरकारें इस मुद्दे पर अब तक खामोश क्यों रही। और मनोज कापका जी, नरेंद्र मोदी चूंकि इस समय बनारस में ये तमाम बातों पर उन्होंने अपनी राय रखी है, लेकिन कुछ दिन पहले उनकी ओर से कहा गया था, खासतौर से इंडिया गठबंधन को निशाना साधते हुए, कि हिंदू की बात आते ही आप लोग जाति से चर्चा शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को लड़ाने लगते हैं, जितना हिंदू बटेगा उतना ही फायदा लेने की आप लोगों की ओर से कोशिश करते हैं और जातिगत पॉलिटिक्स ही आप लोगों का एजेंडा है। मनोज काका जी, प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर क्या जवाब, और रोहन गुप्ता जी ने भी जो सवाल पूछे हैं। चित्रा, आपको पहले तो नए शुरुआती और एक नए मंच पे हमारी आपकी मुलाकात हो रही है, इसके लिए बहुत साधुवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है हम सभी को, पूरे दर्शकों को, कि आप पत्रकारिता के जो नियम है और पत्रकारिता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ज्यादा रहेगी। जो सवाल है रोहन को, बहुत मैं समझता हूँ, रोहन पढ़े लिखे मेरे साथी हैं। रोहन जी, जो देश में जो चीजें चलती हैं बहुत सारे, ये देश मनुस्मृति से तो नहीं चलता है, ये तो बात पक्की है। क्योंकि मनुस्मृति को 25 जुलाई 1927 को ही इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब ने जला करके खाक कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब बाबा साहब ने इस देश के मनुस्मृति को जब जला के खाक किया 25 जुलाई 1927 को, लेकिन वो बाबा साहब ने तो जला दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के स्मृति पटल पर अभी वो आज भी है, और उसी को वो कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आड़ में वो हमेशा ये चाहती है कि मनुस्मृति कायम रहे, क्योंकि जब मनुस्मृति कायम रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और आरएसएस के सरसंघचालक जो ब्राह्मणों में भी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, उनकी वर्चस्व और उनका जो सबसे श्रेष्ठ होने का भाव है वो तभी बना रह पाएगा जब मनुस्मृति का भाव रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको ये जान ले कि मनुस्मृति अब ध्वस्त हो चुकी है, और ये हमारा देश संविधान से चल रहा है, बाबा साहब के बनाए संविधान से, और उसी से चलेगा। तो जब वो ध्वस्त हो चुकी है तो राहुल गांधी चुनाव में क्यों लेकर आ रहे हैं मनुस्मृति को, मनोज काका जी? नहीं नहीं, अब वो इसलिए लेके आ रहे हैं, बहुत सवाल आपका अच्छा है चित्रा, इसलिए लेके आ रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के उपदेश और आचरण में बहुत महीन फर्क है, ये हमको आपको समझना होगा। वो जो कहती उसका कोई उपदेश उसके आचरण तक नहीं जाता। जब इस देश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं सब क्लासिफिकेशन होगा, आरक्षण का वर्गीकरण होगा एससी एसटी आरक्षण का, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं, हम इसके विपक्ष में, हम इसके खिलाफ है, जो कि सारे राजनीतिक दल रहे। लेकिन हरियाणा में सरकार बनते ही ये पूरे देश का दलित देखे कि हरियाणा में सरकार बनते ही सबसे पहले वहां एसटी एससी के आरक्षण का वर्गीकरण करने का कैबिनेट में फैसला लाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी पर आप सवाल कर रहे हैं, काशी के क्षेत्र में, काशी पर गए, उनके कई सारे हम बयान भी सुने, वो काशी उनकी कबीर की धरती है। कबीर ने कहा था कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, और दुख में तो आगे रहे सुख में पीछे हो। तो नरेंद्र मोदी काशी में सिर्फ अपने वैभव विलास का 100-100 कैमरे लेके प्रदर्शन करने जाते हैं, जब काशी की जनता कोरोना में गंगा में उफनाती है, उसको दवा नहीं मिलती है, तब नरेंद्र मोदी बनारस नहीं जाते। उसी काशी में 10 करोड़ का एक वो बना है, गंगा किनारे एक वो पत्थर की छावनी बनी, और एक कुत्ते के धक्के से वो छावनी गिर गई और रामनगर का एक गरीब मर जाता है। वो काशी में जो सामान्य घरों की मजदूरनी और माताएं बहनें मिठाइयां बना के बाबा भोलेनाथ का परंपरागत रूप से वहां मिठाइयां बटती हैं, छोटे छोटे घरों से निकल करके माताएं बहने अपना कुटीर उद्योग चलाती हैं, उसको भी खत्म करने का कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी कंपनी लाके कर रहे हैं, अमूल ला करके। तो नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा विमर्श है और भारतीय जनता पार्टी का, वो दलितों, पिछड़ों और इस देश में बहुजनों के पक्ष में इसलिए नहीं है कि कभी भी उनके हक हिस्सेदारी देने की जब बात आती है चित्रा, तो वो उसके पक्ष में नहीं खड़े होते। राजीव रंजन जी पक्ष में खड़े होते, मैं खत्म कर रहा हूँ, मैं सुन लीजिए जल्दी से, मैं खत्म कर रहा हूँ। आदिवासी अस्मिता की इतनी बात हो रही है, इस देश में राम मंदिर का कितना प्रचार प्रसार किया गया, इस देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति है, और लेकिन जब संविधान की सबसे सर्वोच्च मंदिर का निर्माण होता है, लोक भवन का, संसद का, तो उसका उद्घाटन करने के लिए उन्हें नहीं बुलाया जाता। ठीक है मनोज काका जी, इस पर तो राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान भी आया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन, जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।